नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्किंग फॉर्मूले को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड द्वारा तैयार फॉर्मूले के आधार पर 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का रास्ता साफ हो गया है। इस जानकारी के बाद यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट को सीएम योगी ने मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में एक हफ्ते तक कोरोना का कोई रोगी नहीं मिलेगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पहले कोरोना मुफ्त होने वाले और शत प्रतिशत टीकाकरण कराने वाले जिलों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। वर्चुअल बैठक में सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए कि लापरवाही के कारण दोबारा संक्रमण न बढ़े, इसे लेकर पर्याप्त सतर्कता बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सोमवार से टीकाकरण अभियान की गति को और बढ़ाया जाए। अभी 4 लाख टीके प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं। सीएम ने इसकी संख्या बढ़ाकर 6 लाख करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जुलाई से 10 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सोमवार से लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों का 1 माह से कम समय में लखनऊ का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले संतोष सिंह और 31 में 2 जून का लखनऊ में थे, बाद में 6 जून को भी लखनऊ आए थे। सिंह ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की थी। भाजपा सूत्रों ने बताया कि रविवार को सोमवार से संतोष और सिंह लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सेवा ही संगठन, टीकाकरण और अन्य कार्यक्रमों समेत संगठन के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करेंगे। पार्टी नेता प्रदेश कार्य समिति की संभावित बैठक को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। यूपी में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले नौकरशाह से नेता बने अरविंद शर्मा को बीजेपी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। एमएलसी बनाए जाने के बाद से एके शर्मा को सूबे की योगी सरकार में मंत्री बनाकर अहम भूमिका दिए जाने की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उन्हें संगठन में शामिल किया गया है। इसी के साथ क्या यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार की तमाम संभावनाएं खत्म हो गई है? उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इसी के तहत पार्टी ने एमएलसी एके शर्मा को यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अर्चना मिश्रा को और अमित वाल्मीकि को पार्टी का प्रदेश मंत्री बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के तमाम मोर्चों का भी संगठन दिया है। यूपी में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना महिला बात पहुंचे। वहां उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया और साथ ही काटे गए आम के पेड़ों पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सुरेश खन्ना से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। जो सुरेश खन्ना जी आए हैं और यहाँ जो है मलिहाबाद जो ब्लॉक है, ब्लॉक में यहाँ पे जो है आज वृक्षारोपण भी हुआ है। वृक्षारोपण जैसे कि आज इस समय जो है वृक्षारोपण का वो चल रहा है, दिन चल रहा है, जहाँ पे वहीं पे आज स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने यहाँ पे वृक्ष लगाया। आज ये वृक्ष लगाने से लोगों से क्या वो देना चाह रहे हैं सर? जैसे कि आज जो है मलिहाबाद में आपने वृक्ष लगाया, लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? सुरक्षित रखें जी, वृक्षारोपण हमारे समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समय समय पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ज़्यादा होता है तो लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसका एक ही मात्र उपाय है कि हम इन्वायरमेंट संतुलन बनाए रखें। पर्यावरण संतुलन हमारे
सबसे बड़ा हमारे कार्यक्रम का एजेंडा है और उसी आधार के ऊपर समय हर ब्लॉक में हर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले दिनों में 4 जुलाई तक बहुत बृहद वृक्षारोपण कराया जाएगा। सर, जैसे कि हर साल जो है लाखों रुपए का जो है ये वृक्षारोपण कराया जाता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था देखी नहीं आपने? हम जो बाउंड्री वाल के अंदर लगाते हैं तो वो अपने आप में सुरक्षित है। सर, कई दिनों से जो है माल और मलिहाबाद में आम के हरे पेड़ों पे जो है कटान जारी है, लेकिन जो वन विभाग है कहीं ना कहीं जो है उन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे? कार्रवाई होना चाहिए, जो हरे पेड़ काटे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप भी सहयोग करिए, हम भी करेंगे। हमारे साथ आपने देखा कि जो है सुरेश खन्ना जी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मलिहाबाद हो या माल हो कहीं भी हो, जो हरे पेड़ काटे जा रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो है लापरवाही वन विभाग की तरफ से नहीं बरती जाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए रणजीत प्रताप सिंह, लखनऊ। सरकार ने भले ही स्वच्छ भारत मिशन को प्रमुखता से लिया हो, लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले जिम्मेदार आज भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। मोहनलालगंज विकासखंड समेत जिले के सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की कुप्रथा का सफाया करने के लिए सरकार ने घर घर शौचालय निर्माण कराने के साथ ही पंचायतों में आबादी के समीप उपयुक्त भूमि पर लाखों की लागत से सामूहिक शौचालय निर्माण कराने की धनराशि जारी की थी। सरकारी मंशा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती की तो कुछ महीने पहले पंचायतों में शौचालय निर्माण कराने का अभियान तेजी से शुरू कराया गया, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में शामिल योजनाओं को लेकर भी मोहनलालगंज समेत जिले भर की कुछ पंचायतों में अब भी लापरवाही का डेरा डला हुआ है, जिसका नतीजा है कि बहुत से ऐसे सामुदायिक शौचालय हैं जो अव्यवस्थाओं से घिरे हुए हैं। कहीं निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो कहीं ताले लगे हुए हैं, वहीं बहुत से ऐसे हैं जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव स्वच्छता लाने के लिए सरकार ने सामुदायिक शौचालय बनाए, लेकिन ये सामुदायिक शौचालय अब महज हाथी के दांत भर साबित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये हाथी के दांत की तरह खड़े हैं बनके, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। जहां पर बना यहां भी देख सकते हैं आप कि किस कदर पूरा जल भराव है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, यहां तक वहां शौचालय के पास जाने का रास्ता भी नहीं है और अभी ये पूरा शौचालय बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी अधकचरा काम पड़ा हुआ है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको कहीं ना कहीं शौच के लिए अभी भी बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा, क्योंकि पूरे जो भी ग्रामीण हैं सबके यहाँ भी शौचालय भी नहीं है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसे में क्या कितनी तकलीफ होती है, कितनी समस्या आती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरजीदी। सरजीदी, ये बताइए शौचालय जो बना है कितने सालों से बन रहा है? अरे सर, ये बन रहा है, प्रधानित बन रहा है दो साल हो गए बनता, बरसात में बंद हो चुका है, नहीं बना तो आए बंदा। ये बताओ पूरे गांव में सबके पास तो अभी शौचालय बना नहीं होगा? नहीं, सबके पास नहीं, कोई पास नहीं है। जिनके पास नहीं वो बाहर जाते होंगे? अब बाहर सर जी भी यहाँ पे काम अभी नहीं चल रहा फिलहाल? नहीं चल रहा, बरसात की बंद। आप लोग कहाँ जाते हैं? आप भी बाहर जाते हो? अब सर हमारे तो टूट फूट गए, दोबारा तो बाहर तो जाते हैं। बिल्कुल, ये महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त की अगर बात करें तो इनका शौचालय गिर गया है, जिसकी वजह से उन्हें आज भी बाहर शौच को जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने जिस मंशा से गांव-गांव सामुदायिक शौचालय बनाए हैं वो महज केवल इस वक्त हाथी के दांत ही साबित हो रहे हैं, जो खाली दिखाने के काम आ रहे हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं हो रहा। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो लगभग 8 से 10 लाख की लागत हर शौचालय को दी गई है, जहां पर पानी से लेकर के सारी व्यवस्थाएं की जानी थी, लेकिन अभी भी अगर हम मोहनलालगंज क्षेत्र की बात करें तो तमाम ऐसे शौचालय हैं जहां पर कहीं कहीं तो ताले लगे, तो कहीं कहीं अभी बनकर तैयार भी नहीं हुए हैं। तो ऐसे में सरकार ने जिस मंशा से ये शौचालय गांव-गांव बनाए थे, ऐसे में उस पर कहीं ना कहीं ये पानी फिरता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे लापरवाहों पर क्या कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। न्यूज़ अपने रियलिटी चेक पे पहुंची है मोहनलालगंज विकास खंड के ही दयालपुर गांव में, और यहां भी देख रहे हैं पीछे ये बना हुआ सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत दयालपुर मोहनलालगंज लखनऊ। यहां भी आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि ये पूरा बन के तैयार है, पूरी तरह से बनकर तैयार है। हालांकि अगल बगल देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी का अंबार जरूर लगा हुआ है। यहां देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ आपको गंदगी दिखाई दे जाएगी, बगल में भी गंदगी है, यहाँ तक जो नल लगा हुआ है, जो समरसेबल इसमें डाल रखा है एक सरकारी हैंडपम्प में, आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकारी हैंडपम्प में समरसेबल पड़ा हुआ है, यहाँ भी तमाम वो गंदगी नज़र आ जाएगी। और उसके बाद अब बात करते हैं शौचालय की, जो शौचालय बनकर तैयार हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ताले लगे हुए हैं। ये महिला शौचालय है,
बाकायदे लिखा हुआ है महिला शौचालय और ये पुरुष शौचालय। स्वच्छ भारत यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ किस तरह से ताले पड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार ने जिस तरह से आपके करोड़ों का बजट दिया है कि गांव गांव सामुदायिक शौचालय बने, ताकि जो ग्रामीण जनता है, खासकर उन वो महिलाएं जो आज भी डब्बा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर हैं, आखिर उन महिलाओं को ये व्यवस्था मुहैया हो और यहाँ पर वो जा सकें। ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये करोड़ों की लागत से जो बजट दिया गया है, वहाँ लाखों की लागत से बनकर जो सामुदायिक शौचालय तैयार हुए हैं, उनमें आज भी ताला इस बात की गवाही दे रहा है कि आखिर जो एक जो तंत्र है, जो एक यहाँ का जो तंत्र है, जो कार्यकर्ता है, या ऐसे जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, वो किस तरह से आज भी लापरवाह हैं और सिर्फ हाथी के दांत की तरह ही ये शौचालय बनकर तैयार हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस लापरवाही को लेकर के किस तरह से आगे कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए गाँव-गाँव स्वच्छता जगाने के लिए आपको बता दें कि सामुदायिक शौचालय पर बड़ा बजट दिया। हालांकि ये बड़ा बजट मिलने के बाद गांव-गांव सामुदायिक शौचालय भी बने, लेकिन अब उसकी हकीकत क्या है ये जानने के लिए इंडिया न्यूज राजधानी लखनऊ के ये रघुनाथ खेड़ा गांव है वहां पर पहुंचा और यहां हमारे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे पीछे सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। हालांकि स्थिति दिखाना चाहें तो यहां तक जाने का रास्ता भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस कदर रोड से और वहां तक जाने के लिए बीच में कितना भारी गड्ढा है, जो कि इस गड्ढे को अभी तक बंद भी नहीं किया गया है। और पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं वहां पर छाता लेकर खड़ी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मैं ये बताइए, आपके यहाँ गांव में जो सामुदायिक शौचालय बना है ये कितने दिन हो गया बने हुए? ये दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? एक साल तो हो ही गया होगा ना? एक साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आप लोग बाहर ही जाने के लिए मजबूर है, बाहर जाते हैं? आखिर क्या बताया जा रहा, क्यों नहीं शुरू हो पा रहा? ये पता नहीं कोई कारण होगा या लापरवाही है। आप बताइए, ये आपके यहाँ जो सामुदायिक शौचालय बना है स्वच्छता के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी अभी तक गंदगी है, शुरुआत नहीं हो पाई, क्या कहेंगे इसका? बाहर जाते हैं अभी? अभी हाँ बिल्कुल बाहर जाते हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ। नहीं देख रहे हैं, ये वो महिलाएं हैं जो आज भी कहीं ना कहीं शौच के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके गाँव का जो सामुदायिक शौचालय है वो अभी तक पूरी तरह से निर्माण उसका पूरा नहीं हुआ है। स्थितियाँ आपको फिर हम एक बार दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे किस कदर गड्ढे हैं बड़े बड़े, और यहाँ तक हम आपको दिखाएंगे कि अंदर कितनी गंदगी भी है। महिला शौचालय में यहाँ पर ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा, देख रहे हैं महिला शौचालय है, यहाँ पर ताला लगा हुआ, ये आप देख रहे हैं पुरुष शौचालय है, और ये इसकी स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि किस कदर गंदा पड़ा हुआ है, अंदर काफ़ी गंदगी है, यहाँ पर नल की टोटियाँ तक नहीं लगी हैं, हालांकि टाइल्स तमाम टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम टाइल्स टूटे हैं, और अंदर की स्थिति हम आपको दिखाएंगे और भी आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर यहाँ का जो सामुदायिक शौचालय उसकी क्या कंडीशन है, किस कदर अभी तक बदहाली झेल रहा। हालांकि कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ गंदगी का अंबार देख रहे हैं, किस कदर जगह जगह गंदगी है, और ये हाल है सामुदायिक शौचालय का। शीट किस कदर अभी टूटी हुई है, अभी बना भी बनकर पूरा भी नहीं हुआ, और टूटी सीटें आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पूरी गंदगी का अंबार जगह जगह लगा हुआ है। ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि सरकार की जो मंशा थी कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव स्वच्छ हो और यहाँ के जो लोग हैं, खासकर अगर महिलाओं की बात करें, तो वो बाहर जाने के लिए मजबूर ना हो, देख सकते हैं कि अभी पानी का भी कार्य पूरा नहीं हुआ यहाँ पर। ऐसे में देख रहे हैं कि इस रघुनाथ खेड़ा गांव की महिलाएं किस कदर आज भी डब्बा लेकर खेत में शौच जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अभी तक यहां का जो सामुदायिक शौचालय है उसका कार्य भी नहीं पूरा हुआ, और किस कदर ये बदहाली आज भी झेलता हुआ नजर आ रहा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और क्या उन लापरवाहों पर कोई कार्रवाई होगी? लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान। वाराणसी के रहने वाले कमलेश शहर के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के बजाय खुद की कार गैरेज खोली है, फिर इसमें आधा दर्जन युवाओं को नौकरी दी, देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह लिए कमलेश ने, अब गैरेज के कबाड़ सामानों से कार सेफ्टी डिवाइस तैयार की। ये डिवाइस कार ड्राइवर के समय आपको सुरक्षित रखेगी, इसके साथ ही कार चोरी होने पर लोकेशन के साथ पुलिस को सूचना भी देगी। इंजीनियर कमलेश ने पीएम के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर 2 महीने में इस डिवाइस को तैयार किया। कमलेश ने इसे कार सेफ्टी डिवाइस का नाम दिया है। आ,
मैंने सोचा कि दूसरों के यहाँ नौकरी करने से बेस्ट है कि मैं अपना सेल्फ दूसरों को रोज़गार दूँ, मैं खुद उसमें लड़ूँ उसके साथ। और मैंने अपने वर्कशॉप में देखा है कि बहुत से ड्राइवर या गाड़ी के आना लाते हैं बिना सीट बेल्ट लगाए हुए, तो हमने सोचा कि इसके लिए कुछ जुगाड़ बनाया जाए, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए। तो हमने लॉकडाउन में देखते देखते सोचते सोचते इसमें बना लिया डिवाइस, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी जून का महीना चल रहा है, अभी ठीक से मानसून पूरे देश में पहुंचा भी नहीं, लेकिन बारिश और बाढ़ का कहर तो ऐसा है जैसे कि जुलाई और अगस्त के महीने में दिखाई देता है। कहीं झमाझम बारिश तो कहीं नदियों में बाढ़। यूपी के तमाम जिलों में भी नदियां उफान पर हैं। घाघरा, राप्ती और गौरा नदी भी उफान पर है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने यहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।